आज सर्दियों की सबसे खास मिठाई बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में। आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरे की गज्जक, जो अक्सर हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनती है, टेस्टी और सिर्फ 10 मिनट में आप बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु गुप्ता कुकिंग ट्रिबिन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये गज्जक बनाना सबसे आसान है। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है गुड़, और दो ही चीजें लिए हैं, मुरमुरा यानी कि पफ फ्राइज, जिसे हम लाई भी बोलते हैं। तो अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये कप से 3 कप है और ग्राम में करीब 150 ग्राम है, और जो गुड़ लिया है वो हमारा 250 ग्राम है। और इस गुड़ को ना हमें काट लेना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में है गुड़, इसको हम काट लेंगे। गुड़ सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है खाना, डाइजेशन में भी हेल्प करता है और साथ ही एक बहुत अच्छी मिठाई भी है। तो इसको हम छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर काट लेते हैं। आज जो हम ये चिक्की तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिलती है, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो 10 मिनट में हम ढेर सारी गज्जक चिक्की तैयार कर लेते हैं। देखिए, गुड़ की कटिंग हो गई है, इसको हम साइड में रख देते हैं और सबसे पहले हम इस मुरमुरे को, लाई को भून लेंगे। भूनना क्या है, बस हल्का सा इसको गर्म करना है और क्रिस्पी कुरकुरा बनाना है, क्योंकि अगर ये कुरकुरी होगी तभी खाने में टेस्टी लगेगी। तो बहुत ज्यादा देर नहीं करना है, बस लो हीट पर थोड़ा सा सेक लेंगे इसको, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज हम बना सकते हैं, ये थोड़ा लाइट होता है खाने में और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। इससे मैंने इडली भी तैयार की हुई है, डोसा भी तैयार किया हुआ है और साथ ही हम इसके कटलेट और पोहा भी तैयार कर सकते हैं। तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, और इसे हम जो पफ राइस भी कहते हैं, क्योंकि ये चावल से बना होता है और बहुत हेल्दी ऑप्शन रहता है। तो देखिए, हमने इसे लगातार चलाते हुए यहाँ पर भूना है और एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प हो गया है। तो बस अब हम इसे एक बोल में पलट लेंगे तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब हम पहले जो चिक्की बनाने के लिए हमने प्लेट ली है, क्योंकि हम इसकी शेप बिल्कुल मार्केट वाली बनाने वाले हैं, गोल। तो आप कोई भी कटोरी या इस तरह से कोई भी बोल ले ले और उसको हम ग्रीस कर लेते हैं, तेल लगाकर, घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। इससे बहुत आसानी से ही हमारी चिक्की तैयार हो जाएगी। अब कढ़ाई को फिर से गर्म कर रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं ये टुकड़े किया हुआ गुड़। अगर आप कप से चेक करते हैं तो गुड़ 1 कप है और जो मुरमुरा है वो 3 कप है, तो इसका जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए। अब हमने 1 चम्मच पानी डाला है, बस लो हीट पर हम धीरे धीरे इसको पकाएंगे तो गुड़ मेल्ट हो जाएगा। तो 1 चम्मच से ज्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इसको मेल्ट होने में नहीं लगता है। तो देख रहे हैं ना, धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो रहा है और ये बिल्कुल मेल्ट होने लगेगा अभी। तो यहाँ पर काफी हद तक देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, बस कुछ छोटे छोटे पीस बचे हैं और इसे हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। जब हम गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है ना, इसको चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पर जब पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और बबल्स भी थोड़े थोड़े आने लगे हैं, उस कंडीशन पर हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी। तो बस अब हम इसे अच्छे से उबाल आने तक, झाग आने तक इसे चलाते रहेंगे और अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से इसमें झाग बन गए हैं, आप देख रहे हो कितने अच्छे से इसमें बबल आ गए हैं। लेकिन हमें इसे अभी और पकाना है थोड़ी देर तक, जब तक ये बहुत अच्छे से बबल्स आ रहे हैं जो वो इकट्ठे नहीं होने लगते हैं। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, अभी थोड़ा सा थिक हमें इसे करना है, हम इसे चेक करेंगे अभी। अब देखिए, यहाँ पर बबल्स भी कम हो चुके हैं और ये थोड़ा सा इकट्ठा होने लगा है। इस कंडीशन पर हम एक बोल में पानी लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। तो देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है यहाँ पर,
और बोल में पानी लेकर हम थोड़ा सा गुड़ के सिरप को डालेंगे इसे और ठंडा कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, बिल्कुल भी हाई या मीडियम नहीं रखना है। अब जब ये ठंडा हो चुका है, जो पानी के अंदर गुड़ डाला था उसको निकाल लेंगे और इसको तोड़ कर चेक करेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से टूट रहा है, खिंच नहीं रहा है। अगर खिंचता है तो हमें इसे और पकाना है। अब ये बहुत अच्छे से टूट रहा है तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसके अंदर डाल देंगे मुरमुरा। और इसे हमें जल्दी जल्दी से मिक्स करना है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी से सेट हो जाता है, तो इसे टाइम बिल्कुल नहीं देना है हमें और बहुत जल्दी जल्दी हमें इसे मिक्स करेंगे। तो इसे हम दो बारी में डाल रहे हैं। अब जो बचा हुआ मेरे पास मुरमुरा था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बहुत ही झटपट बन जाती है और ये ऐसी चीज है कि सभी को पसंद आती है। सर्दियों में ना जब भी कुछ मीठा खाने का मन होता है तो इस तरह से आप गज्जक चिक्की बना सकते हैं। मैंने पहले मूंगफली की भी गज्जक और चिक्की तैयार की है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इस समय पर गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो हो गया ना, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये अच्छे से काफी गर्म है। तो अब हमें एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे या फिर आप किचन टॉप पर भी इसको डाल सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड पर मैं इसे डाल रही हूँ इस समय पर। इससे ना ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा और इकट्ठा भी हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल हाथ से इकट्ठा कर लेते हैं एक बारी। और जो हमने प्लेट ग्रीस करी थी ना, बस उसमें जल्दी जल्दी हम इसको डालेंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये प्रोसीजर हमें थोड़ा जल्दी करना है ताकि गुड़ बिल्कुल ठंडा ना हो जाए, क्योंकि ठंडा हो गया तो ये बोर्ड पर ही सेट हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमारी ये गोल गोल मार्केट वाली गज्जक तैयार हो जाती है और मिनटों में आप इसे बना सकते हैं। इतनी टेस्टी बनती है कि कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। तो बस मैं सभी प्लेट कटोरियां और भी मैंने इसके सेट करी थी। तो देखिए यहाँ पर सभी मैंने रख दी थी, ठंडा हो गई है। 10 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था सेट करने के लिए और बस निकालना भी ना इसको बहुत आसान है। बस हाथ से हमें हल्का सा इसको मूव करना है, देखिए इस तरीके से, और ये पलट लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी गज्जक निकल कर आई है। तो है ना बिल्कुल मार्केट वाली मुरमुरे की चिक्की। तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, गज्जक बना सकते हैं, या फिर इसको बोर्ड पर सेट करके स्क्वायर शेप में कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने आज इसे बिल्कुल राउंड शेप में बनाया है और देखिए कटोरी में जो है उसे भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा टाइट है, नहीं निकल रही है, तो हम इसे नाइफ से हल्का सा करेंगे स्ट्रेच। तो देखिए निकल जाती है बहुत ही इजीली। तो कितना आसान है गज्जक बनाना, 10 मिनट में आप ढेर सारी गज्जक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए आपको मेरी ये इतनी आसान सी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए है ना मजेदार और कितनी बढ़िया लग रही है। और कुछ ही मिनटों में हमने ढेर सारी गज्जक तैयार कर ली जो आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं। काफी महंगी भी पड़ती है लेकिन घर में 20 से 30 रुपए में हमारी ये गज्जक तैयार हो जाती है। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से ट्रे पे सर्व किया है और देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना, एकदम राउंड शेप है। तो आप इसे कटोरी में प्लेट में कैसे भी सेट कर सकते हैं। और कितनी कुरकुरी है देखिए, मैं तोड़कर आपको चेक करा रही हूँ। एकदम खस्ता करारी सी गज्जक हमारी तैयार हो गई है। आप बस इसे एयरटाइट डब्बे में भरकर रख सकते हैं, महीने दो महीने तो बिल्कुल खराब नहीं होती है। तो चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।